अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। गणेश नाइक ने किया क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन, नगर सेविका नेत्रा शिर्के की पहल पर नेरुल में विकास। नेरुल प्रभाग 91 में नगर सेविका नेत्रा शिर्के की पहल पर स्थापित क्लाइंबिंग वॉल का लोक नेता गणेश नाइक ने उद्घाटन किया। गणेश नाइक ने यहां लाइब्रेरी एवं दूसरे विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया और भाजपा नगर सेविका नेत्रा शिर्के की सराहना की। वहीं खुद नेत्रा शिर्के ने अपने प्रभाग में देश की पहली क्लाइंबिंग वॉल शुरू किए जाने पर मनपा और महापौर का आभार जताया। नगर सेविका ने कहा कि नागरिकों और नौजवानों में जिस तरह वॉल को जानने की उत्सुकता है, उसे देखकर खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं मेरे एरिया के, सिर्फ मेरे एरिया के क्यों, पूरे नवी मुंबई के लोगों के लिए कुछ अलग करके जा रही हूँ। ऐसा है कि ये जब यहाँ पे 2016 में जब बोल्डरिंग का वर्ल्ड कप हुआ, तब मुझे पता चला कि ये बोल्डरिंग कोई स्पोर्ट भी होता है। और हम वो स्पोर्ट देख के बहुत ही, मतलब हम सरप्राइज थे कि अरे ये हमको इसके बारे में पता क्यों नहीं है। और तब एक और बात पता चली कि ये जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया वो गिरी विहार जो संस्था है, जो एसोसिएशन है, वो तो हमारी नवी मुंबई की है। तो फिर जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया तो मेरी उनसे बात हुई और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैडम हमने ये पूरा इम्पोर्ट किया हुआ है, बहुत बड़ी लागत से हमने इसको लाया है, बड़ी मुश्किल से हमने इसको सेटअप किया है, पर हम चाहते हैं कि हम नवी मुंबई में हैं तो हमारे यहाँ की जो जनता है उसको इसका फ़ायदा हो। तो मुझे लगा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सिर्फ थोड़ा सा हमको टाइम लगा, एक डेढ़ साल थोड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नमेंट का काम था, थोड़ा सा काम होता है उसमें। पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये बोल्डरिंग वॉल का हम उद्घाटन गणेश नाइक साहब के हाथों हुआ। मंदा तई मात्रे आज यहाँ उपस्थिति, हमारे शहर के महापौर सुथार साहब आज आए और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रहने वाले लोग भी आए देखने के लिए। बड़ी उत्सुकता थी उनको, इतने दिनों से यहाँ से गुजरते थे, देखते थे अरे ये क्या बन रहा है, सब मुझे पूछते थे अभी क्या बना रहे हैं। और फिर जब इसका आकार आने लगा धीरे धीरे धीरे, उन्होंने देखा ये कुछ अलग बन रहा है, तो बच्चे आने लगे, बड़े आने लगे, बूढ़े आने लगे, सब पूछने लगे कि सब कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ कोई भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से नवी मुंबई क्या, पूरे देश में ऐसी वॉल किसी भी कॉरपोरेशन के यहाँ पर नहीं है और मुझे बहुत खुशी है कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से ये पहली बार ये वॉल हुई है और वो मेरे प्रभाग में हुई है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। दादा ने मुझे 15 साल मौका दिया है ये शहर की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरे पे इतना विश्वास रखते हैं। मैंने दिल से काम करने की कोशिश की है, मैं प्यार करती हूँ इस शहर से, इसलिए जो भी करती हूँ मैं सोचती हूँ कि अच्छा हो इस शहर का, यहाँ के लोग खुश हो जो भी हम करते हैं उससे। बस उनका विश्वास और पार्टी का विश्वास होना चाहिए। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ और उन पर मुझे, उनको मेरे पर विश्वास है, तो इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं बाकी कुछ उनसे अपेक्षा नहीं करती। यहाँ नगर सेविका की तरफ से विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। यहाँ विशेष अतिथि महापौर जयवंत सुतार, विधायक मंदा ताई मात्रे, भाजपा प्रभारी संजय उपाध्याय, महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल ने नेत्रा शिर्के के आयोजन की सराहना की। देखिए नेत्रा जी शिर्के एक क्वालिफाइड लेडीज, उनको नाइक साहब ने यह एक बार कैंडिडेट करके दे दिए, लेकिन लोगों को जो आवश्यक चीज है वो पूरा करने का इरादा, हौसला नेत्रा जी ने दिल में रखा और जो भी चीज़ है वो पूर्तता करने का उन्होंने प्रयास किया और इसलिए लगातार 3 बार उनको चुन कर दिया। और उस ढंग से काम करते वक्त आदरणीय लाडला नेता गणेश जी नाइक साहब ने इनको नया बम्बई का स्टैंडिंग कमेटी फर्स्ट लेडीज चेयरमैन बना दिया। उसके बाद में तदर समिति जो रही
स्वच्छता, उसके माध्यम से उसको लगातार 3 साल चेयरमैन लिया। एक नया ढंग से नया जो लोगों में नया उमंग रही है, वो ढंग से इस जगह पे उन्होंने आज क्लाइंबिंग वॉल संपूर्ण पूरा देश में ये ऐसा वॉल नहीं है। एक CRS के माध्यम से ये वॉल इधर खड़ा किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक नया इस शहर में जो योगदान दिया वो गिरिराज संस्था, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। भविष्य कालखंड में ये जो ग्लोबेन वॉल है वो नया मुंबई के सभी लोग, अन्य शहरों से भी लोग आएंगे, और ये जो निर्माण करने वाला नेत्रा शिर्के, इनका एक नाम वहाँ लिख जाएगा, ये मैं सूचित करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।